दोस्तों, कालिदास ने अपनी रचनाओं से पाठकों के दिल में एक अलग ही जगह बनाई और वे दुनिया के सबसे विद्वान कवियों में से एक माने जाते हैं। लेकिन ये कैसे एक इतने महान विद्वान कवि बने, इसके पीछे एक बड़ी ही रोचक कहानी है। दरअसल इनकी पत्नी ने इन्हें धिक्कार दिया था और इसके बाद ये एक कवि बने। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कवि कालिदास की बायोग्राफी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और पसंद आने के साथ ही आपको बड़ी ही मोटिवेट करेगी और आपको बहुत सारा ज्ञान प्रदान करेगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आप कालिदास की बायोग्राफी याद नहीं कर पाते थे तो इस वीडियो में हम बड़े ही रोचक ढंग से इस कहानी को जानेंगे, जिससे आपको कालिदास की पूरी कहानी पता चलेगी। कालिदास का जन्म। साहित्य के विद्वान और महाकवि कालिदास का जन्म कब और कहां हुआ, इसके बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन इनके बारे में जन्म को लेकर विद्वानों के कई अलग अलग मत है। ऐसा माना जाता है कि 150 ईसा पूर्व 450 ईस्वी तक कालिदास रहे होंगे, जबकि एक रिसर्च के मुताबिक कालिदास गुप्त काल में जन्मे होंगे। और इनके जन्म काल की तरह ही उनके जन्म स्थान के बारे में भी कुछ स्पष्ट कहा नहीं जा सकता। उन्होंने अपने खंड काव्य मेघदूत में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर का काफी ज्यादा वर्णन किया है, इसलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि कवि कालिदास उज्जैन के निवासी थे। कवि कालिदास का विवाह। महान कवि और दार्शनिक कालिदास की शादी संयोग से राजकुमारी विद्योत्तमा से हुई, जो कि बेहद गरीब परिवार से वास्ता रखती थी। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वे उसी के साथ शादी करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो अपमान से दुखी और इससे बदला लेने के लिए छल से कुछ विद्वानों ने कालिदास से राजकुमारी विद्योत्तमा का शास्त्रार्थ करवाया और उनका विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से करवा दिया। आपको बता दें कि शास्त्रार्थ का परीक्षण करने के लिए राजकुमारी विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी, जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों में ही जवाब दे देते थे। विद्योत्तमा को लगता था कि कालिदास गूढ़ प्रश्न का गूढ़ जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, विद्योत्तमा ने प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि वह थप्पड़ मारने के लिए धमकी दे रही है, इसलिए उसके जवाब में उन्होंने घूंसा दिखाया। तब विद्योत्तमा को लगा कि कालिदास कह रहे हैं, पांच इंद्रियां भले ही अलग हो, सभी एक ही मन के द्वारा संचालित है। इससे प्रभावित होकर राजकुमारी विद्योत्तमा ने कालिदास से शादी करने के लिए हामी भर दी और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। मगर दोस्तों, असल कहानी तो अब पता चलने वाली थी, क्योंकि असल में कालिदास कोई विद्वान थे ही नहीं। कुछ दिनों बाद जब राजकुमारी विद्योत्तमा को कालिदास की मंदबुद्धि का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुई और कालिदास जी को धिक्कारा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चे पंडित बने बिना घर वापस मत आना। फिर क्या था, पत्नी से अपमानित हुए कालिदास ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प कर लिया और सच्चे पंडित बनने की ठान ली, और इसी संकल्प के साथ वे घर से निकल पड़े और माँ काली की सच्ची मन से उपासना करने लगे, जिसके बाद माँ काली के आशीर्वाद से वे परम ज्ञानी और साहित्य के विद्वान बन गए। इसके बाद वे अपने घर लौटे और अपनी पत्नी को आवाज दी। दरवाजे पर सुनकर ही समझ गई कि कौन विद्वान व्यक्ति आया है। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी के धिक्कारने के बाद परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे महान कवि बन गए। आज उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाने लगी है। यही नहीं, संस्कृत साहित्य में अभी तक कालिदास जैसा कोई दूसरा कवि पैदा नहीं हुआ है। महाकवि कालिदास जी की गणना भारत में ही नहीं बल्कि संसार के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है। उन्होंने नाट्य, महाकाव्य और गीत काव्य के क्षेत्र में अपनी अद्भुत रचना शक्ति का प्रदर्शन कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और विलक्षण बुद्धि से रचनाएं लिखी, उनकी बदौलत उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों और नाटककारों में होती है। उनकी रचना का साहित्य के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। कवि कालिदास जी की रचनाओं की सबसे प्रमुख बात यह है कि वे अलंकार युक्त सरल और मधुर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अपनी रचनाओं से श्रृंगार रस की बखूबी वर्णन करते हैं। कालिदास ने अपनी रचनाओं में ऋतुओं की व्याख्या की है, जो कि सराहना योग्य है। और इसी तरह कालिदास ने अपनी रचनाओं से पाठकों के दिल में एक अलग ही जगह बना ली। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपको कालिदास के बारे में ज़्यादातर जानकारी जरूर मिल गई होगी और आपको कालिदास की कंप्लीट बायोग्राफी जरूर मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें,
और कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही और बायोग्राफी और फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियोज़ को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और पास की घंटी पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।